प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिनांक 29 नवंबर 2020 प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला रविवार इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और इस आराधना में शामिल हों। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष देवे, आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजो प्रभु की महिमा करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए इस एडवेंट सीजन का पहला गीत, गीत क्रमांक 97, धन्य रात धन्य रात, आइए हम सब मिलकर गाएंगे।
देखो कि विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग को पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरे से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के चूटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और हम सब प्रार्थना में शामिल होवेंगे, और इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे, अपने निवेदनों को इस एडवेंट सीजन में, जबकि हम प्रभु के आगमन के पहले रविवार में हम शामिल हुए हैं, अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करेंगे और अपने हृदयों को उसकी चरनी बनाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा। आइए, तैयारी का रविवार है, सो मिलकर हम प्रभु चरणों में प्रार्थना निवेदन रखें, प्रार्थना का कोरस गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के चाह हमें थुब, प्रार्थना में सदा तेरे रहे, प्रार्थना का गौर पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही छे जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही छे जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, धन्य प्रभु जिसने हम सबसे प्रेम किया, स्नेह किया, धन्य परमेश्वर जिसने हमें इस आगमन के इस प्रथम रविवार में प्रवेश कराया। पिता परमेश्वर, जबकि हम प्रभु तेरे जन्मोत्सव की खुशियों की तैयारियां हम शुरू करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, हमारे हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि तूने हम सबको जिंदगी बख्शी और ये एक और मौका दिया कि हम प्रभु तेरे भवन में इबादत कर सकते हैं, तेरे मंदिर में आकर इबादत कर सकते हैं, ऑनलाइन आराधना के द्वारा से तेरी इबादत कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज पुनः तुझसे मांगते प्रभु कि हमारे हरेक गुनाहों गुनाहों को अपराधों को क्षमा करें, और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे प्रभु कि हमारे दिल तेरे लिए तैयार हो सके, जिसमें प्रभु तू जन्म ले। सो प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व में जहां पर आगमन की तैयारियां होती हैं, प्रभु जी ये रविवार हर एक जीवन पर आशीष का कारण है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे हर एक तैयारियों को प्रभु तू आशीष देना, जो तेरे जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के इस एडवेंट सीजन में, इस पहले रविवार को हम प्रभु जी अपने आदरणीय बुजुर्गों को स्मरण करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रभु परमेश्वर चर्च भवन में आकर तेरी इबादत नहीं कर पा रहे। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु उन सबको सुरक्षित रखें और हर एक की इबादत को, हर एक की आराधना को स्वीकार करें, जबकि वर्चुअली प्रभु जी आज हम उनके द्वारा संदेश भी सुनने जा रहे हैं। चाहते प्रभु तेरा अनुग्रह हर एक सुनने वाले पर पाया जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज पुनः जब हम प्रभु तेरे जन की खुशी में शामिल होने के लिए अपने मनों को तैयार करते और तैयारियां शुरू करते हैं, पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जैसे ही कि प्रभु हम सब खुश होते, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु इस खुशी में प्रभु हरेक की प्रार्थनाओं को सुन कि प्रभु परमेश्वर इस धरती से ये कोविड सिचुएशन समाप्त होने पाए, और प्रभु परमेश्वर जिंदगी को बहाल कर दे प्रभु, हरेक स्थितियों को परिस्थितियों को बहाल कर दे प्रभु, और जबकि प्रभु लोगों
ने प्रभु के से बहुत सारी समस्याओं को इस दौरान में फेस किया और लगातार कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु कि इस कोविड की लहर से हर एक को संभाल। हम उन्हें स्मरण करते हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य बाजुओं को बढ़ाकर उन सबको चंगाई बख्शें जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती, जिनको सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होती। हम प्रार्थना करते प्रभु उन सबको तो तंदुरुस्ती दे और इस कठिन समय में लड़ने की ताकत दे। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं विश्व में शांति हो, अमन कायम हो और लोगों के बीच में आपसी प्रेम हो, भ्रष्टाचार खत्म होने पाए, नक्सलवाद आतंकवाद समाप्त होने पाए, लोगों के बीच में प्रेम होने पाए, मैत्री होने पाए। प्रभु जी इसी उम्मीद के साथ कि प्रभु आज पुनः तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता और उनका जवाब देता है, हम तुझसे प्रार्थना करते विश्व शांति होने पाए प्रभु जी, और लोग देश प्रभु आपस में प्रेम कर सकें, देशों के बीच में आपसी प्रेम होने पाए और परस्पर व्यापार आसानी से हो सके और प्रभु परमेश्वर सबों के जीवन में कुशलता। हम धन्यवाद करते प्रभु कि कोविड के लिए प्रभु जी एक वैक्सीन तैयार होती है। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर उन वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए। प्रार्थना करते जिनको ट्रायल बतौर ये वैक्सीन के डोजेस दिए गए हैं, प्रभु परमेश्वर वो सब के सब आशीषित हो और उनके जीवन पर वो कारगर होने पाए और उसे सफलता दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के साथ हो, हर एक को प्रभु ताकत दे ताकि उन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से कर सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर अपने देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था संतुलित होने पाए, हमारे प्रदेश की स्थिति संतुलित होने पाए और प्रभु परमेश्वर तमाम किस्म की प्रशासनिक कार्य जो होते प्रभु उस पर तेरा अनुग्रह हो और प्रभु सुचारू रूप से हो सके। देश के किसानों के लिए प्रभु जहां पर परेशानियां पैदा हुई हैं हम प्रार्थना करते हैं हरियाणा के उन सारे किसानों के लिए प्रभु परमेश्वर उन सब को संभालें, किसी किस्म की आगजनी उपद्रव और नाना प्रकार की वो जो चीजें घटित हो रही प्रभु प्रार्थना करते कि प्रभु अद्भुत शांति हो और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। हम अपने देश के प्रत्येक किसानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर उन सब पर दया दृष्टि करें, उनकी किसान की फसलों पर आशीष देना, उनकी मेहनत को आशीष देना। पिताजी हम तुझसे प्रार्थना करते तेरे अनुग्रह से हरेक आराधना करने वाला आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हरेक के जीवन को आशीष दे, हरेक के जीवन पर तेरी करुणा और कृपा बनी रहे। आज पुनः प्रभु हम तेरा स्वागत करते हैं, पुनः प्रभु तेरी आशीष मांगते तेरी करुणा मांगते और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते ये इबादत आशीषित होने पाए और हर एक जो प्रभु परमेश्वर किसी के हृदय में किसी के हृदय में कोई सवालात हो, किसी के हृदय में प्रभु कोई बात हो प्रभु जो तुझसे आज कहना चाहता है, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक की प्रार्थनाओं को सुन के प्रत्युत्तर देना। पिता हम प्रार्थना करते हैं खास तौर पर उन तमाम शारीरिक पीड़ाओं को सामना करने वाले लोगों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन डॉर्थी सागर के लिए जो कोविड डायग्नोस हुआ प्रभु एडमिट हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहन मिसेस विनीता दास के लिए, प्रार्थना करते हैं मिसेस नैन्सी मैक्सवेल के लिए, मिसेस चैम्बर्स के लिए। प्रभु परमेश्वर इन सब के ऊपर अपनी करुणा और दया करें ताकि प्रभु परमेश्वर ये चंगाई को हासिल करे और तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। आज आराधना में शामिल हुए तमाम बुजुर्गों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते प्रभु वो सब के सब तंदुरुस्त रहें, कुशलता से रहे, सेहतमंद रहे और तेरी महिमा में आगे बढ़ सके। बड़े विश्वास हृदय के साथ और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें, परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों इस समय हम धर्मशास्त्र से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती के मार्फत इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी छठवीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय छठवीं आयत जहां पर प्रभु का सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं,
क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। परमेश्वर पिता का पवित्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार है। सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको अपनी आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु मसीहों, इस समय जबकि हम वर्ष 2020 के पहले एडवेंट में हमने प्रवेश किया है, मैं कलीसिया का पासवान आप सबों को इस पहले आगमन के रविवार की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कोविड प्रोटोकॉल एवं हमारे बुजुर्गों की सेहत को ख्याल रखते हुए आज हम ऑनलाइन एवं वर्चुअल आराधना में हम शामिल हो रहे हैं। कुछ हमारे सीनियर्स एल्डर्स जिन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की है, जो वीडियो के द्वारा से आप सबों तक मैं प्रेषित कर रहा हूं, मेहरबानी से हम इस वीडियो को में शामिल होकर के हमारे बुजुर्ग के आशीर्वाद को, उनकी शुभकामनाएं को ग्रहण करेंगे। प्रभु परमेश्वर सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मसीह के आगमन का समय नजदीक आ गया है और प्रतिवर्ष हम जो है इसे सीनियर्स के द्वारा आरंभ करते हैं, किंतु इस वर्ष हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से तथा सभी सीनियर्स की तरफ से आप सभी को मसीह के प्रथम आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मसीह आप सबों के जीवन में खुशियां और आनंद लाए और आप सबको स्वस्थ रखे। धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हम रमन परिवार एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरी आशा है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।
फल प्रभु। साथ ही साथ क्रिसमस की भी आपको बहुत सारी बधाइयां। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे और आप सभी आनंदित हो, ऐसी हमारी आशा है। प्रभु यीशु का जन्म इस धरती पर परमेश्वर की ज्योति स्वरूप मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ। वो आज भी जीवित है और मानव मन में वास करना चाहता है। धन्य है वे जो उसे अपने हृदयों में स्थान देते हैं। काश कि हम सब उसकी शांति और आशीष पाने योग्य हों। हम सब कलीसिया के रूप में उसके अंग हैं, तो आओ हम सब मिलकर उसके बालक रूप में धरती पर अवतरण की खुशी में एक साथ होकर बड़े आनंद और उत्साह से मनाएं। साथ ही COVID-19 की सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। मेरे और मेरे परिवार की ओर से हमारे पासवान और कलीसिया के सभी परिवारों के लिए बड़ा दिन शुभ और आशीषमय हो। जय मसीह। आप सबों को मेरी और अंकल की तरफ से जय मसीह की। मैं सबसे पहले अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें आज तक संभाल के रखा और जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद। और मैं पादरी साहब का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर मौका दिया कि हम दोनों आपके सामने उपस्थित हो सकें। हम दोनों की तरफ से आप सबों को बड़े दिन और नए साल की शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही हमारी दुआ आपके साथ है। और हम चाहते हैं कि आने वाला समय आपका खुशियों से भरा रहे और जो भी आपने प्रार्थना में प्रभु से मांगा है वो डिश आपकी पूरी हो। हमारी यही शुभकामना आप लोग के साथ हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ। मैं सबको मैं बड़े दिन की शुभकामनाएं देती हूँ जो कि हमारा यीशु मसीह का जन्म दिवस है। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो देश में महामारी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उससे अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को और हम लोगों को और जो जी कलीसिया के लोग हैं उन सबको उसे सुरक्षित रखा, उसके धन्यवाद देती हूँ। हमारे देश पे उसका रहम और करम है, इसलिए उसके धन्यवाद देती हूँ। हम भवन में जा नहीं सकते मगर अपने घर में बैठ करके
उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। आप सबको भी बड़े दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आनंदित होइए, मगन रहिए और खुशी से बड़ा दिन मनाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह को उसने हमारे उद्धार के लिए भेजा था और जिसने हमारा उद्धार किया और जन्म लेकर के हमको आशीष दी है। यीशु मसीह के नाम से ही सब कुछ हम मांगते हैं, वो सुनता है और हमको देता है। आप सबको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। यीशु मसीह के नाम से सबको सबों को जय मसीह की। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के फर्स्ट एडवेंट में प्रवेश कर रहे हैं। पहले ये सप्ताह बुजुर्गों द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन अब कई कारणों से हम ये मिल नहीं पाते, इसलिए आप सबके सहयोग और शुभकामनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं, खासकर पादरी साहब। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसकी खुशी मनाने के लिए हम उसकी महिमा और स्तुति करें और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, वही हमारा सच्चा क्रिसमस मनाना होगा। मैं अपने परिवार की ओर से पूरी कलीसिया को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आप सबका आने वाला समय आनंदमय और मंगलमय हो। प्रभु की कृपा और आशीष अनुग्रह हम सब के मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं परमपिता के ऊपर बांसुरी बजा रही हूँ। क्रिसमस और नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आइए अजीजों, इस समय हम कलीसियाई सूचनाओं से मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आज आराधना में शामिल हुए आप सभी अजीजों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। वर्ष 2021 के लिए चर्च द्वारा बनवाया गया कैलेंडर 2021 तैयार हो चुका है और आज की इस इबादत में हम इस कैलेंडर को प्रभु सेवा में समर्पित करेंगे और हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कैलेंडर तैयार किया गया है, जो हमारा प्रयास रहेगा कि ये कलीसिया के तमाम अजीजों तक पहुंचाया जाए, हर एक परिवारों तक पहुंचाया जाए। सो आइए हम परमेश्वर में हम इस कैलेंडर को प्रभु सेवा में समर्पित करेंगे और प्रभु के चरणों में जब हम हमारे घरों पर ये कैलेंडर होगा तो हम इसमें से तारीख देखने पाएंगे, प्रभु के वचनों को भी पढ़ने पाएंगे। हर तारीख में परमेश्वर का वचन है। सो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर सेवा के द्वारा हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की इस मुबारक इबादत में प्रभु परमेश्वर चर्च द्वारा तैयार किया हुआ ये कैलेंडर जो हमारे अजीजों के घरों तक जाना है, हम परमेश्वर पिता जो वर्ष 2021 के लिए प्रभु सेवा में समर्पित है, हम इसे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से समर्पित करते हैं।
प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा से प्रभु का वचन हरेक घरों पर पाया जाए और वो तारीख जो हर बार पढ़ी जाए उसके द्वारा से प्रभु हरेक के कामों को मुबारक करना, हरेक के दिन की शुरुआत आशीष में होने पाए, एक दिन की शुरुआत और एक दिन की शाम बड़ी मुबारक हो सके, प्रभु परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह हरेक के घरों पर पाया जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मानते हैं, आमीन। हमारे चर्च बिल्डिंग का जो नाम है वो सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी कार्य होना है वो सभी मेथोडिस्ट चर्च गेहूंखेड़ा भोपाल के नाम से होना है। सो आप सभी इस बात को स्मरण रखें, आप जब प्रभु चरणों में चेक्स के द्वारा से भेंट, धन्यवादी भेंट या डोनेशंस देते हैं तो कृपया कर मेथोडिस्ट चर्च गेहूंखेड़ा भोपाल के नाम से प्रभु चरणों में समर्पित करें ताकि प्रभु के कार्यों में जो है हम आगे बढ़ते हुए सबके सब आशीष को पाने पाए। चर्च द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सेवा के द्वारा भी आप अपने कमिटमेंट्स को, डोनेशंस को, ऑफरिंग्स को, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग्स को चर्च में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांसफर करने के बाद आप मेहरबानी से चर्च के पासबान को या ट्रेजरर को सूचित करना ना भूलें। आज आराधना के बाद पास्टरेट कमेटी की बैठक सुबह 11 बजे से चर्च भवन पर होगी, इसलिए पास्टरेट कमेटी के तमाम सदस्यों से निवेदन है कि पास्टरेट कमेटी हेतु अपना कीमती समय देवे। बीते सप्ताह मिसेस डॉर्थी सागर कोविड 19 डायग्नोस होने के कारण से हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सबों की दुआओं के लिए धन्यवाद करते हैं। बहन मिसेस डॉर्थी सागर पहले से बहुत बेहतर है और बहुत जल्द उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी होगी और वो घर पर आने पाएंगी। लगातार हम उस बहन को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें और साथ ही साथ इस निवेदन के साथ मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो मेहरबानी से मुझ तक जरूर से प्रेषित करें। चर्च भवन के अंदर एवं बाहरी प्रांगण में SOPs को पूर्णतः पालन करना है। जब हम स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को पालन करते हैं तो मेहरबानी से स्मरण रखें, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी स्लोगन का हम पूर्णतः पालन करें जो हम सबके लिए अति आवश्यक है, और यह सुनिश्चित करें कि जब आप प्रभु भवन में घर से निकल रहे हो तो अपने साथ अपने पवित्र शास्त्र बाइबल और वाटर बॉटल और अपने मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था स्वयं करके आए। और आपके लिए जो मेन एंट्री गेट है मेहरबानी से उस मेन एंट्री गेट से प्रभु भवन में इंटर करें और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दरवाजा है यहीं से निकले, बारी बारी से एक एक करके इत्मीनान से प्रभु भवन से जो है आप बाहर जाने पाए। और मेहरबानी से जीरो टच जो है चीजों का जीरो टच हमको करना है ताकि हम सब भी सुरक्षित रहें, आप सबका ख्याल हमें है, इसलिए मेहरबानी से ध्यान रखें, सभी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को हमको पालन करना है जो प्रभु भवन में और बाहरी प्रांगण के लिए अनिवार्य होगा। मेहरबानी से जैसे ही चर्च समाप्त होता है हम सभी धीरे धीरे करके अपने घरों के लिए रवाना हो, चर्च के बाहर भी हम किसी प्रकार का भीड़ भाड़ ना लगाएं। मेहरबानी से जब आप चर्च भवन के लिए आते हैं सो अपने व्हीकल्स को प्रॉपर पार्क करें ताकि जो सामने रोड है वहां से कोई भी किसी भी किस्म की असुविधा न हो। सुनिश्चित करें कि आप अपने व्हीकल्स को प्रॉपर चर्च के जो पार्किंग एरियाज होने हैं वहां पर अपने व्हीकल्स को पार्क करें। अभी भी आप थैंक्सगिविंग 2020 के लिए जिन्होंने अब तक कोई कमिटमेंट नहीं किए हैं अभी भी हमारे पास अवसर है, मेहरबानी से आप अपने कमिटमेंट्स को कर सकते हैं। कमिटमेंट को भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और जिस भी मार्फत से, आसान मार्फत से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं प्रभु चरणों में साल वर्ष 2020 के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, मेहरबानी से आप कमिटमेंट कर सकते हैं। चर्च के बाद आप मुझसे या चर्च ट्रेजरर से संपर्क करें। क्रिसमस एडवेंट सीजन 2020 जो कि आने वाला रविवार है, सुबह की आराधना सुबह 9:30 बजे से रहेगी, मेहरबानी से हम ध्यान रखें। आने वाले रविवार आराधना का समय सुबह 9:30 बजे से रहेगा, ठंड का ध्यान रखते हुए और मौसम का ख्याल रखते हुए, आप सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेहरबानी से हम ध्यान रखें कि चर्च में आगामी रविवार से समय सुबह 9:30 बजे से रहेगा एवं आने वाले रविवार को पाकशा की इबादत भी होगी। हम तैयारी के साथ प्रभु भवन में आए,
क्रिसमस एडवेंट सीजन के बाकी कार्यक्रम जो हैं उनके बारे में जानकारी आपको आज इबादत के बाद ऑनलाइन और व्हाट्सएप के मार्फत से, सूचनाओं के मार्फत से, मैसेज के मार्फत से आप सबों तक प्रेषित की जाएंगी। दिनांक 13 दिसंबर 2020 WFCS द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जो है WFCS द्वारा आराधना का संचालन किया जाएगा और दिनांक 13 दिसंबर 2020 को आराधना के बाद शैली सिस्टर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सो मेहरबानी से सभी महिला समिति की सदस्यों से निवेदन है कि आप सुनिश्चित करें कि उस दिन आप अवेलेबल हों और मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में पूर्ण अपना सहयोग दें और सभी महिलाएं इस कार्यक्रम में प्रभु आनंद में आगे बढ़ें। एडवेंट सीजन के क्रिसमस और कैरल्स और नववर्ष के कार्यक्रम को आप सबों तक हम सूचित करेंगे। आज हम आराधना बुजुर्गों के साथ ऑनलाइन एवं वर्चुअल इबादत में शामिल हुए हैं जिसमें आज आराधना में प्रभु वचन मिसेस सी जूलियस के द्वारा से प्रचार किया जाएगा। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपके द्वारा से परमेश्वर का वचन आज आशीषित रहे। इस एडवेंट सीजन पर हमारे लगभग सभी सीनियर्स ने, हमारे एल्डर्स ने हमें शुभकामनाएं भेजी है, कलीसिया को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मिसेस सुषमा रमन, डॉक्टर राजेश रमन ने उनके परिवार के द्वारा जो इन दिनों रांची में हैं, उनके परिवार के द्वारा से एडवेंट सीजन और क्रिसमस सीजन की शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। डॉक्टर आशा सिंह एवं मिस्टर आनंद सिंह एवं परिवार के द्वारा से एडवेंट सीजन की शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। मिसेस शैल दुबे, मिस्टर के एन दुबे, मिस्टर एम एल रिचर्ड, मिसेस एंड मिस्टर एस एस हैमिल्टन, मिसेस मिस्टर पॉल के द्वारा से हमारे कलीसिया को ढेर सारी शुभकामनाएं एडवेंट सीजन की भेजी गई है। हम इन सभी शुभकामनाओं के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु की कृपा आप सबों तक बनी रहे। मिसेस शिवा डिकोना, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, बीते सप्ताह वो प्रभु में सो गई हैं। डिकोना परिवार को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। हम अपनी दुआओं में मिसेस डॉर्थी सागर, मिसेस विनीता दास, मिसेस प्रीति मिंज, मिसेस नैन्सी मैक्सवेल, मिसेस मेविस चैम्बर्स को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर आप सबों को अच्छा स्वास्थ्य दे और कोई निवेदन आपके पास है तो मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। बीते सप्ताह जिन्होंने अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है, आइए हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम चर्च की तरफ से मिस्टर अनुग्रह याकूब, जिन्होंने 25 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, मिसेस रेणुका जॉन 26 नवंबर, डॉक्टर एस के लाल 27 नवंबर, मिस्टर रोमी जूडा 27 नवंबर, मिसेस नीता मसीह 28 नवंबर, आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस समय हम प्रार्थना में शामिल होंगे ऑनलाइन आराधना के मार्फत से। अगर आपके वेडिंग एनिवर्सरीज या बर्थडेज होंगे तो मेहरबानी से आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम इन तमाम अजीजों को जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, प्रभु इन सब को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप और धन्यवाद करते प्रभु तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते प्रभु तेरी सामर्थ के लिए, तेरे प्रभु जी उस बड़े अद्भुत अनुग्रह के द्वारा जिन्होंने जीवन पाया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछले सप्ताह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। परमेश्वर पिता बहुतायत के साथ उन सबों को आशीष दे और आगे का जीवन प्रभु तेरी सेवा के लिए समर्पित होने पर, जिन्होंने बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके परिवार आशीषित होने पाए और प्रभु परमेश्वर उनका दाम्पत्य जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता चले और प्रभु तेरी महिमा में बढ़ सके, तेरे अनुग्रह को हासिल करें पूर्ण परिवार को, इतने सारे अजीजों को प्रभु जिन्होंने बीते सप्ताह तरक्की हासिल की, जिन्होंने अपने जीवन में नए कार्य की शुरुआत की, जिन्होंने प्रभु नए जीवन साथी को हासिल किया, जिन्होंने विवाह को जिनके संपन्न हुए, और प्रभु परमेश्वर उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते, उन सारी तरक्कियों के लिए धन्यवाद प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तेरा अद्भुत अनुग्रह सबके ऊपर में बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रिय कलीसिया को, आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं,
हम यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी का संदेश आसमान पर सुनाया, ये गाते हुए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु के आने की खुशी में उसका स्वागत करते हुए अपनी आवाज बुलंद करेंगे और प्रभु की स्तुति में गाते गाएंगे, तेरा वो अभिषेक अमन के राजकुमार। शुरू करूंगी। प्याला खुशी
से भरा जाओ प्याला खुशी से भरा जाओ मर्जी हो भी रब दुआ करूंगा तब जब तक प्याला फिर भरपूर ना हो प्याला खाली और सूखा जब हो जब दिल करता कि बैठ कर के रो मर्जी हो भी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के क्रिस्ट के लिए क्रिस्ट को और अपना अपने पास्टर को कि उन्होंने मुझे कुछ वचन बोलने की इजाज़त दी। मैं यीशु नासरी का धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए जो कोरोना व अन्य बीमारियों से चंगे हो गए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें बचाया है, हमें शिफा दी है। हम चर्च में आकर प्रभु की गवाही दें और धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, अपने ईमान को मजबूत करें। आप सबों को प्रभु अपनी आशीष से माला माल करे। अभी आज मैं आपको जीवन की रोटी जीवन की रोटी यूहन्ना की पत्री उसका 6:5-12। जब यीशु त्रिब्यास झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया तब उसने सामने बड़ी भीड़ देखी और संध्या का समय हो चला था। तब उन्होंने कहा इनको खाने को दो। फिलिपुस को ने कहा 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ेगी। तब शमान पत्रस के भाई अंद्रयास ने कहा एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटी और 2 मछली है। तब प्रभु ने कहा सबको बैठा दो और रोटियां लेकर स्वर्ग पिता का धन्यवाद किया और कहा बांट दो। फिर मछलियां लेकर बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए। खाए हुए लोगों को में 5,000 लोगों ने भोजन किया और उनके 12 टोकरे रोटी के टुकड़े बटोरे गए। लोग आश्चर्य करने लगे। प्रभु के वचन और दृष्टांत और उपदेश सीधे और सच्चे हैं। हमारा प्रभु अद्भुत युक्ति करने आ रहा परमेश्वर है। रोटी जब हम सुबह उठते हैं तो हमें भूख लगती है और हम रोटी ही खाते हैं। रोटियां कितने प्रकार से ली जाती हैं। पहला अखमीरी रोटी, दूसरा मन्ना रूपी रोटी, तीसरा जीवन की रोटी, चौथा सामर्थ्य की रोटी और 5वां विश्वास की रोटी। अखमीरी रोटी निर्गमन 12 उसका 17 से लेके निर्गमन 12 उसकी 17वीं आयत। जब इसराइली मिस्र की गुलामी में थे तभी यहोवा परमेश्वर ने कहा तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना क्योंकि मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला है। इस कारण यह दिन बड़ा विधि का दिन माना जाए। यहोवा ने इसराइलियों को छुटकारा दिलाया उससे स्मरण में के लिए अखमीरी रोटी का पर्व मनाने को कहा बिना खमीर की रोटी खाने को। मन्ना रूपी रोटी निर्गमन 16:9-31 इसराइली भूख के कारण बेहाल थे और बड़बड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने कहा तुम्हें सुबह मन्ना और
शाम को बटेर खाने को मिलेगी। यहोवा ने आकाश को आज्ञा दी कि स्वर्ग के द्वारों को खोले और मन्ना बरसाया गया। ये स्वर्ग का अन्न था। यहोवा ने परीक्षा ली कि वे व्यवस्था का पालन करते हैं कि नहीं। भोर को ओस पड़ी फिर उन्होंने मन्ना को देखा और उन्हें स्वर्गदूतों की रोटियां मिली और उन्होंने मन माना भोजन किया। इसराइलियों ने उसका नाम मन्ना रखा। मन्ना धनिये के समान श्वेत और उसका स्वाद मधु के समान मीठा था। तब शाम को गोधूली के समय बटेर आकर बैठ गई और उन्होंने भोजन किया और फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। सरदूत भी यही रोटी खाते हैं। तीसरा, जीवन की रोटी, यूहन्ना 6:53। ये प्रभु की देह रूपी रोटी है। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस ना खाओ और ना लहू पियो अनंत जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसे अंतिम दिनों में फिर से जीवित करूँगा। यूहन्ना 6:31। हमारे बाप दादों ने भी रोटी जो मूसा ने दी मर गए खाती। मूसा ने वह रोटी तुम्हें स्वर्ग से ना दी थी, पर मेरा पिता स्वर्ग में है तुम्हें रोटी देगा। यह रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर लोगों में जीवन देती है। ये बातें यहोवा ने कफरनहूम में उपदेश के समय कही। पिता मुझ में है और मैं जीवित हूँ, वैसे तुम भी जीवित रहोगे। इसे हम प्रभु भोज के रूप में ग्रहण करते हैं। सामर्थ की रोटी, पहला राजा 9:4-8। जब एलिया रानी इलिजाबेथ के डर से भागकर बेसर्वक हो गया और एलिया एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर सो गया, उसने खुदा से मौत मांगी कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, मुझे मौत दे दे। तब किसी ने उसे छूकर उठाया और कहा, उसने देखा एक पत्थर पर एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। अब उसने उठकर रोटी खाई और पानी पिया और उसी की सामर्थ से वह 40 दिन और 40 रात चलता हुआ होरे पर्वत पर पहुंचा। उसमें सामर्थ आ गई थी। पहला राजा 17:17। करीत नाले में अकाल के समय एलिया नबी को कौओं ने मांस और रोटी दी। ये सामर्थ की रोटी थी जो कौओं ने दी। फिर विश्वास की रोटी, यूहन्ना 6:35-40। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना रहेगा और ना मुझ पर जो विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तब यहूदी कुड़कुड़ाने लगे। यीशु ने कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। उन्होंने कहा, यह रोटी हमें खिला। हमें प्रभु पर विश्वास करना है, तभी वो हमें पास रखेगा। विश्वास से ही सारे काम सफल होते हैं। यीशु ही जीवन की रोटी है। इस समय लोगों को आत्मिक रोटी की जरूरत है, क्योंकि आमोस नबी ने कहा, वचन की भूख और प्यास होगी। हम प्रभु के वचन में जुड़े रहें, उसके विश्वास में बने रहें, वो हमें
अपने अनुग्रह रूपी ढाल से लपेटे रहेगा, प्रभु की महिमा हो। जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। उसे पहचाने, उस रोटी को की खोज में लगे रहें, उसी की भूख और प्यास हम में लगी रहे, जिससे हम आत्मिक रूप से तृप्त हो सकें। प्रभु आप सबों में इस भूख को उत्पन्न करें। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ दुनिया के बनाने वाले, जमीन आसमान के सृजनहार, तेरा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए जो तूने दिया है। जो वचन बोया गया लोगों के मनों में काम करे, और आज के दिन को मुबारक कर, हर एक को अपनी खून से सींच, ताकि वह तेरी अगुवाई में बढ़ते चले जाएं। इस नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज इस आराधना में जिन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पण किया प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपनी भेंटों को समर्पित किया है, जिन्होंने अपने जीवन को तेरे सामने रख दिया प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना करते सब के सब आशीषित होने पाए प्रभु। इन अजीजों के द्वारा किया हुआ छोटा सा भी कार्य जो प्रभु तेरी सेवा के लिए है प्रभु परमेश्वर, इन सबों को बहुतायत के साथ आशीष देना। धन्यवाद के साथ पुनः हम सब अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं और मसीह यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, मार्गदर्शन हमारी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के साथ इस आराधना में शामिल हुए हर एक दिलाजीजों के साथ, प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन।